ये हेलमेट लिया था मैंने विंड नॉइस को रिड्यूस करने के लिए। सोचा था मोटो ब्लॉगिंग में मेरी आवाज़ ज़्यादा आएगी, नॉइस रिडक्शन होगा। चिंगर टेन भी था इसमें। ये मेरे पुराने हेलमेट की तरह लूज़ भी नहीं है, फिटिंग में भी सही था, टाइट था। तो आई थॉट कि विंड हेलमेट के अंदर कम जाएगी तो माइक में कम कैप्चर होगी। आई थॉट दिस विल बी परफेक्ट, बट जब इसे पहन के मैं निकला घर से तो मेरे को शोर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था, सेम जैसा लास्ट हेलमेट में आता था, विंड नॉइस बहुत ज़्यादा। एंड अब जब वीडियो एडिट करने बैठा हूँ तो क्या बोलूँ, पैसे वेस्ट हो गए ऐसा लग रहा है। जिस पर्पस के लिए लिया था वो पूरा नहीं हुआ। हेलमेट तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट्स नॉट फॉर मी। गलती मेरी है। इसमें ये दो एयर वेंट्स हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ये दोनों हमेशा खुले रहते हैं, इनको क्लोज नहीं कर सकते आप, तो हवा यहाँ से जाएगी तो हेलमेट के अंदर ही जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, तो शोर आएगा। आई डिड नॉट सी दिस एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आई कांट यूज दिस फॉर मोटो व्लॉग। अब आप कुछ क्लिप्स देखो जो मैंने इससे रिकॉर्ड किए हैं, आते हुए पता चल जाएगा आपको मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बाय। हो जा भाई स्टार्ट। चलो ठीक है, ये पावर वाला बटन होता है ना, ये दब गया है इस होल्डर के अंदर कहीं, तो इसको भी ठीक करते हैं आगे भी रुक के। कहां से जाओगे अंकल? अच्छा आपको भी इधर जाना है। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है इस पे टू व्हीलर बैन है, तो यहां से तो नहीं जा सकता मैं सोच रहा हूँ इधर से जाने के लिए मोदी नगर के साइड से, तो अभी मोहन नगर की तरफ जा रहा हूँ मैं। आई होप कि कैमरा एंगल ठीक होगा, क्योंकि कल रात को ही मैंने ये चेन माउंट लगाया था हेलमेट पे एंड आज सुबह मैं निकल गया, तो मेरे को इसकी टेस्टिंग का बिल्कुल मौका नहीं मिला कि कैमरा एंगल ठीक है कि नहीं। और आवाज़ मेन जो रीज़न था मेरा हेलमेट चेंज करने का वो था वॉइस ठीक से आ रही है कि नहीं, तो विंड नॉइस अगर अभी भी आ रहा है तो पैसे बर्बाद। वैसे आई थिंक अब नहीं आ रहा होगा, या आ भी रहा होगा तो पहले से बहुत कम आ रहा होगा, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा आता था यार, पहले तो हवा ही हवा आती थी, बस आवाज़ उसके बीच में कहीं खो जाती थी। एंड होपफुली अब आवाज़ आ रही हो और विंड नॉइस उसके बीच में खो रही हो। तो यहाँ से अपने को लेना है राइट, पर यहाँ हो रखी है रेड लाइट। उत्तरी रेड लाइट है भाई, कहाँ जा रहे हो? कितनी लंबी लाइट है भाई ये है? ओहो, ऊपर देखो क्या चीले मंडरा रही हैं। चीलों को देख के मेरे को एक बहुत फेमस डायलॉग याद आ गया चाइना गेट मूवी का, मेरे मन को भाया, आगे समझ ही जाओ यार। हम भी थोड़ा आगे चलते हैं। हो गए। उसे भरवा रहे हैं हम पेट्रोल। अभी यार इतना गंदा काम था ना मोहन नगर के उधर, वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि दोनों में से एक भी हाथ हैंडल से छोड़ता ना तो ठुक जाती बाइक, बहुत गंदा जाम था, तीनों चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। ये है गाजियाबाद अपना भाई, अपना नंबर आ गया, फुल करवा लेते हैं इसको, देखते हैं कितने में फुल होती है। भाई फुल कर दियो, 99 रुपये 67 पैसे, 99.67 रुपीज़ लीटर है, देखते हैं कितने का आता है, 1000 तक का तो आ ही जाएगा यार, 100 रुपये लीटर हो रहा है, 10 लीटर तो आ ही जाएगा, ज़्यादा ही आ गया 1000 से, 1079। भाई ने तो पूरा ऊपर तक ही भर दिया। लो भाई 1075.44। भाई स्वाइप करना, वाईफाई नहीं है। अब निकलते हैं सीधा अपनी मंजिल की तरफ।
मॉर्निंग में ऑफिस जाने के टाइम में तो सारा जो ट्रैफिक है मैक्सिमम ऑफिस जाने वाले लोगों का ही है। एंड जिस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ इस रोड का नाम है अपर गंगा कैनल रोड। तो ये रोड बहुत लंबी है यार, ये रोड कम से कम 70-80 किलोमीटर की है। कतौली तक है ये रोड, ठीक है, एंड मे बी उससे उत्तरी भैंस की कतौली तक जाना है मेरे को इसी रोड पर। तो 97 किलोमीटर यहाँ से खतौली रह गया। तो पहले खतौली पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। एंड ये पूरा रोड ना ऐसा ही है, जगह दिख रहा है ना बीच बीच में छोटे छोटे गड्ढे हैं। शिट, लग गई क्या किसी के? आई थिंक तो एक्सीडेंट हुआ है, ज़्यादा सीरियस चोट ना आई हो किसी को। हल्की फुल्की तो लगती है यार, साइकिल से भी गिर जाओ तो, और टू व्हीलर तो वैसे ही इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अपनी गलती से तो बंदा गिरता है दूसरे की गलती से भी गिरता है। और ये जो रोड है ना, ये पूरा रोड ऐसे ही है, ये ऐसे छोटे छोटे ब्रेक आ रहे हैं बहुत सारे, बीच में कहीं भी गड्ढे आते हैं देखो। तो 57 किलोमीटर अभी मेरे को इसी रोड पे जाना है सीधा सीधा सीधा। रोड क्या देखोगे आप लोग, खतौली पहुंच के जब डाइवर्जन आएगा तब मैं आप लोगों से मिलता हूँ। यार अभी वो 57 किलोमीटर जो थे वो तो खत्म नहीं हुआ, तो बोर हो गया था सीधे रास्ते पे बाइक चला चला के। मैंने सोचा थोड़ी देर कैमरा ही ऑन कर ले। अच्छा एक चीज मैंने रियलाइज करी है इस हेलमेट में, मैं अभी जैसे 70 के चल रहा हूँ तो हेलमेट के अंदर ना काफी शोर आ रहा है मेरे को, क्योंकि विंड नॉइज है। अब तो कहाँ से आ रही है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कानों के पास मेरे को सुनाई दे रहा है। और इतनी गर्मी मैंने सोची थी इस हेलमेट में लगेगी, इतनी गर्मी लग नहीं रही। और ये कहीं से तो पहले वाला सीन ना आ गए, पता लगा न्यू हेलमेट भी लिया मोटर ब्लॉक फिर भी नहीं उतारा है, दोबारा से विंड नॉइस आ रही है क्योंकि हवा मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा। यार इस रोड पे ना ट्रक्स बहुत चलते हैं, ट्रक्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, तो ब्रेकर होगा। हाँ ये अपने को जाना सीधा, गर्मी आ गई है तो गन्ने का जूस भी है भाई, इससे पता चलता है गर्मियाँ आ गई हैं। तो यार इधर रुका था मैं, अभी ये फर्स्ट ब्रेक लिया मैंने, खतौली भी नहीं पहुँचा हूँ अभी। उधर वो गन्ने का रस है वो पिया, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से खतौली भी है 20 किलोमीटर, सुबह जल्दी निकलना चाहिए था। मैं हर बार यही सोचता हूँ, हर बार निकलने में देर हो जाती है। जा भाई जा, तू ही जा पहले। ओहो मुझे तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा दोनों हेलमेट में। तो अभी हम पहुंचे हैं, कहाँ पहुँचे भाई, हरिद्वार पहुँचने वाले। ये ब्रेक लिया मैंने, एक गर्मी हो रही है, 20 वाला एक कर दो, गर्मी बहुत है यार। डिस्टेंस रह गया 97 किलोमीटर्स, और अब जो टाइम दिखा रहा है गूगल वो बोल रहा है 4:10 पे पहुँचूँगा मैं।
बस पहुंच ही गए हरिद्वार हम, और 15 मिनट में पहुंच जाएंगे हरिद्वार। तो अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है भाई? शिट, अरे दादी अम्मा साइड हो जाओ, देख भी नहीं रहे हैं यार, हद हो गई। जगह से गाड़ी आ रही है वहां देख ही नहीं रहे हैं। अपने आप रोकेगा जिसको रोकनी होगी, अपने आप ब्रेक मारेगा, नहीं तो उड़ा देगा। ये सही है, इस जगह का नाम है मुन्नी की रेती। एंड ऋषिकेश हम पहुंच गए, बस अब क्रॉस कर रहे हैं ऋषिकेश और पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं भाई। यो क्या हो गया हाँ? अच्छा आगे वो जा रहा है ना, एक तो ये ट्रक है आगे लोडेड है सामान से, और इसके आगे एक और ट्रक है। तो चल भाई लगा जोर, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, चल 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 चल। पहाड़ी रास्तों में यही प्रॉब्लम होती है, बस एक दो बड़ी गाड़ियाँ अगर आगे आ गई ना तो काफ़ी दूर तक तो वैसे ही चलना पड़ता है। ये सामने डंपल है, घंटियाँ दिख रही होंगी। भद्रकाली डंपल, जय माता दी। डिस्टेंस रह गए यहाँ से 55 प्लस 10 किलोमीटर और लगा लो, 65 किलोमीटर और रह गया, और 4:30-5 बजे तक ही पहुँचूंगा मैं। तो यार यहाँ पहाड़ों में पहुँच के ना थोड़ा गर्मी से राहत मिली है, अभी मेरे को हवा ठंडी ठंडी लग रही है। ये जो जैकेट है मेरी, इसके अंदर से मैंने सिर्फ एक हाफ टी शर्ट पहनी हुई है। तो सुबह जब मैं निकला था तब से लेके अभी तक पूरे रास्ते गर्मी से परेशान रहा मैं, लेकिन अब जैसे ही पहाड़ों में एंटर करा, एंटर करने के 10-15 मिनट बाद, मतलब 4-5 किलोमीटर चला हुआ, और अब हवा ठंडी ठंडी लगने लग गई है, मतलब अच्छी लग रही है, गर्मी नहीं लग रही है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है नरेंद्र नगर का, ये पुलिस चौकी है, वो जो ऊपर ग्रीन बेल्ट दिख रही है ना पेड़ों की, उस रोड पे जाना हमें। ये मेन हाईवे है, इसको छोड़ के अब मैं लेफ्ट में ये कट आएगा, इधर जा रहा हूँ नरेंद्र नगर के लिए कट है ये, बाद में ये वाला रोड फिर से इसी हाईवे पे मिल जाता है ऊपर जाके। ये रोड थोड़ा पतला है, इस पर ट्रैफिक हल्का सा कम होता है, गाड़ियाँ कम होती हैं बेसिकली इस रोड पे, थोड़ा गाड़ियाँ कम होती हैं मैं बोल रहा हूँ, इधर तो गाड़ियाँ ही आती जा रही हैं। देखो यार सामने पहाड़ देखो, चोटी पहाड़ की। इधर यार लैंडस्लाइड वाले पहाड़ बहुत हैं, बहुत है मतलब बहुत है। ये देखो पत्थर इधर थोड़े बहुत गिर के रोड पे आ ही रखे हैं। दो मिनट रुकते हैं देन फिर चलेंगे। ऊपर से रोड्स कैसे दिखती है ना, इतनी पतली रोड दिख रही है वो, उस साइड सामने सारा कोरा कोरा हो रखा है, तो पहाड़ क्लियरली विजिबल नहीं है। चंबा यहाँ से रह गया है 37 किलोमीटर, ये रहा मार्कर चंबा का, पानी वानी पीते हैं देन फिर चलते हैं यहाँ से।
चंबा 16 किलोमीटर प्लस 10 26 किलोमीटर रह गया। तो चंबा पहुंचने वाले हम, चंबा एंटर नहीं करेंगे, उसको बाईपास करके आगे की तरफ निकलेंगे उत्तरकाशी की तरफ। उसी रास्ते में मेरा गांव है। तो अभी जो रास्ता अलग होता है चंबा को बाईपास करने के लिए, एक टनल बनी है, उस टनल से अपन जाएंगे। होटल्स होम स्टेज काफी बन गए इस साइड भी। तो ये बोर्ड है गंगोत्री उत्तरकाशी के लिए लेफ्ट, ठीक है। अभी आगे से रास्ता है, ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये चंबा को बाईपास करके जा रहा है, तो हम यहाँ से जाएंगे। और ये ऊपर वाला रास्ता जो है ये चंबा के लिए है। बहुत बड़ी मार्केट है यार, यहाँ तो आओ ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में चांदनी चौक या कहीं सदर वदर चले गए हैं, इतनी भीड़ है। गलियां भी वैसी हैं एकदम छोटी छोटी। यहाँ के लोग घूमने भी लग गए, बुजुर्ग लोग घर से निकल भी गए घूमने के लिए। हाँ शाम तो हो ही गई, 4:20 हो गए। चलो यार ज़्यादा पेट्रोल मत बचाओ। ये है सामने टनल, चंबा टनल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। छोटी टनल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड ये टनल हो गई एंड। पेपर खत्म। कौन सी क्लास के पेपर दिए तूने? 8th के। रिजल्ट भी आ गया? रिजल्ट आ गया अभी नहीं आया? और बता दोस्त तेरे क्या हाल है? बढ़िया है। ये बहुत खतरनाक खेलता है क्रिकेट। घर पहुंच गए हैं, झाड़ू वाड़ू मार दिया है, चमका दिया घर में। देखो अब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, बाकी अभी 6:45 हो रहे हैं। यहाँ ऊपर तक आने का मैं इसलिए शूट नहीं कर पाया, मेरा जो एक्शन कैमरा है ना उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। हाथों में सामान था, बैग था गंदे में, एक छोटा सा बैग हाथ में था और एक हेलमेट हाथ में था। बड़ा वाला बैग प्रियांशु लाया, ये रहा प्रियांशु। और बस मतलब कैमरा नहीं पकड़ पा रहा था मैं, तो इसलिए वो मैंने शूट नहीं करा। और अभी हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा घूमेंगे और कुछ सामान वामान लेना है घर का वो लेंगे। अभी 6:45 हो रहा है, अंधेरा आजकल 7 बजे के आसपास होता है, तो एक घंटा तो है हमारे पास। चले चलो, 7:30 बज रहे हैं, आ गए थे हम 7 बजे के आसपास घूम के, जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी खाने पीने की वो ले ली। अभी यहाँ मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, एडिटिंग हो रही है यहाँ पे हल्की फुल्की। अभी थोड़ी देर में खाना वाना बनाएंगे, खाना तो क्या ही बनाएंगे हम, जो हमेशा बनाते हैं वही बनाएंगे। समझ गए? समझ गए। बस बाकी कल नया देना है, कल कुछ करेंगे, कहीं जाएंगे घूमने के लिए, वो कल ही बताऊंगा मैं कहाँ जा रहे हैं। और हैं गैस करो कहाँ जा रहे हैं, वैसे नहीं कर पाओगे। जो यहाँ के लोग हैं वो शायद कर लें, पता नहीं, बाकी लोग तो नहीं कर पाएंगे। तो बस यहाँ एडिटिंग करते हैं, उसके बाद खाना वाना बनाते हैं, ठीक है? ये प्लान है अभी का। पौने 9 हो रहा है टाइम और अब हम डिनर कर रहे हैं। डिनर में अपना एज यूजुअल मैगी, ये है चाय, मैगी एंड ब्रेड, ये अपना आज का डिनर। डिनर करते हैं देन फिर थोड़ा सा अभी बचा एडिटिंग का काम, उसको करेंगे देन सोएंगे। 11 बज रहे हैं और अब जाके काम ख़त्म हुआ है, ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है फाइनली, और इसको कल लाइव करेंगे। थंबनेल वगैरह अभी बनाना है तो मॉर्निंग में ही बनाऊंगा वो, उठ के उसके बाद इसे अपलोड करेंगे। अभी फ़िलहाल सोने जा रहा हूँ मैं, बस इसका वेट कर रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद सोना है। आंखें दोबारा से नींद में हो रही हैं पूरी पूरी, इसको भी मैंने सजा दे रखी है, ये भी बैठा हुआ है बेचारा। बस सोते हैं, इसके बाद लैपटॉप बंद करना है और सोना है सीधा। सुबह मिलते हैं।
गुड नाइट, बाय 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 बाय।